हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस, आज है सेकंड डे हमारा और मस्त रूम के अंदर सोए हुए थे। बढ़िया रूम मिला हमें, बेड पे हमेशा की तरह ये बच्चे लेके सोई थी मिस्टी, मतलब कार्तिक को, और काजल सोई थी मानसी को लेकर। और गाइस, एक हमारे साथ बड़ा खतरनाक वाला कोइंसिडेंट हो गया, मतलब पता नहीं क्या है, वो शायद कुछ ग्लिच होगा। वैसे हुआ क्या पता है, हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं, कुछ तो अलग हुआ, पहली बार कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। तो हुआ ये कि बाथरूम ऊपर वाले फ्लोर पे, हम लोग सचिन भाई के ऊपर वाले फ्लोर पे है, वो शायद सेकंड पे हुआ है ना, और हम लोग थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड पे ही है ना, वो लोग फर्स्ट पे है, हम लोग सेकंड पे, हम सेकंड पे है, ठीक है, हम लोग सेकंड पे है। तो ऊपर बैठे हुए हैं हम लोग, मैं जब सुबह बाथरूम गया, पहले मेरे से पहले किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ, तो मैं गया बाथरूम, तो बाथरूम में क्या हुआ पता है, मतलब मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जो भी है आप समझ गए कि इतना मुखर है बोलने से, लेकिन क्या हो सकता है कि कुछ नल में को दिक्कत हो। मैं बाथरूम गया, ठीक है, मैंने कुंडी लगा रखा था अंदर से, और अंदर का टैप ना अपने आप खुल गया, मतलब सॉरी अंदर का नहीं, बाहर का नल का अपने आप खुल गया। और बाहर का जो मेन गेट है ना, जैसे ये डोर है ना, मैंने ये भी बंद कर रखा है, कोई अंदर नहीं आ सकता, वो अपने आप खुल के पानी गिर रहा था, बड़ा मतलब तेज़ आवाज़ आ रहा था, बहुत प्रेशर से गिर रहा था। तो मैंने कहा यार, मैं तो बाहर का गेट लगा रखा है, अंदर कोई आ ही नहीं सकता। फिर मैं बाहर निकला, थोड़ी देर बाद देखा वो एक बार बंद होके फिर खुल गया, वो मतलब मेरे सामने नहीं, मतलब मैं अंदर था, बाथरूम के अंदर था, और वो मैं एक बार ऐसे बंद हुआ, आवाज़ बंद हो गया, फिर दोबारा खुल गया। मैंने कहा ये क्या है पता नहीं, फिर देखा तो पानी गिर रहा है, बाल्टी भर गया था। फिर मैं निकला बाहर, वैसे अपन डरते नहीं है भाई किसी चीज़ से। फिर गई काजल, है ना, क्या हुआ तुमको, तुम गई थी, क्या हुआ फिर? मैं गई तो वहाँ भी बाहर में थी, तो जो डोर आ जा रहा था उसमें से पानी का ऐसे खुलने का बंद, तो मैंने सोचा बच्चे का बाहर है ना, जैसे थोड़ा सा टाइम तो कोई नहीं, फिर थोड़ा और मैंने डर से इतना हालत खराब, तुरंत मैंने मिस्टर को बुला के ले गए। अरे मतलब ऐसे हो रहा था, खोल बंद हो रहा था भाई इनके साथ, तो खोल बंद हो गया भाई। इसलिए गए तो ऐसे छट-छट से पानी गिर रहा था बाल्टी में से, पूरा मैं बहुत स्पीड में गिरा था, सही में देखा था अपने आप को, बाल्टी भर गया था पूरा, ऑटोमेटिक चालू हो गया। अरे ऐसा होगा किसी ने चालू करके, नहीं नहीं प्रेशर होगा ज्यादा, पानी आया हुआ तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, ये हो सकता है कि मैं ये मान सकता हूँ कि प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो जो नल है ना वो ढीला होगा, वो खुल जा रहा होगा बार 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 बार, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे थोड़े कोई आएगा, मैं तो अंदर से बंद कर रखा था, कौन आएगा फिर, मैं तो अंदर से बंद कर रखा था गेट। अभी दिखाऊंगा बाथरूम भी आपको, चल के दिखाता हूँ, खुला है, खुला है। So guys, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं भाई, और मतलब ये सोचो काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई आप अपनी तरफ से बना के बोल रहे हो। कहाँ पर था क्या? देखो गाइस, ये अब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसे यहाँ से कुंडी लगा रखा था यहाँ से, और मैं इस बाथरूम के अंदर चला गया था, ये वाला नल जो है ना चालू हुआ था। तो ये वाला जो नल, ये वाला जो चालू हो रहा है अपने बार बार, कौन नहीं सोएगा, इसी में सोए थे, इसमें सोया था आपको, अकेले सोया ही नहीं, सो ही नहीं सकता अकेले। सीटी बज रहा है, सीटी यार, खाना बन रहा है किसी का यार। तो भाई लोग, ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या, लेकिन जो है भाई आपके सामने है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है कि क्या बताऊँ मैं, चमक गया वैसे तो मैं। यार ऐसे वीडियो बना सकते ना रील्स का? हाँ बना सकती, खिड़की पे रील बना सकती हो। तो कोई नहीं, हम इस चीज़ को इग्नोर मारेंगे और अंदर से डर बाहर निकालेंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे। छोटू देखो भाग गया गाइस, कमेंट मैंने पढ़ा था कुछ कि भैया आप छोटू से बहुत काम वाम करवा रहे हो, ये वो आपका नौकर नहीं है भाई, नौकर नहीं है भाई, मुझे पता, मैम नौकर नहीं समझ रहा भाई, आप लोग देख रहे हैं मैं छोटू भाई बोलता हूँ उसको ब्लॉग में, छोटू भाई ये कर दो, है ना। तो मतलब कुछ कुछ
पता नहीं रहता तो वो, अरे हमें नहीं पता वो यहाँ पर रह रहा है भाई, उसको पता है इसलिए हम बोल देते कि भाई ये ला दो वो ला दो। बाकी अगर आप लोगों को बुरा लगी रहा है तो कोई बात नहीं, हम खुद से कर लेंगे यार, है ना, खुद से करने में क्या जा रहा है। तो चलते हैं नीचे, अभी नाश्ता वगैरह के लिए बुला रही हैं मम्मी जी, चाय वगैरह बनाया सर नीचे, तो चल रहे नीचे फटाफट चले। आ रहे बोलो तो भाई, हमारा नाश्ता रेडी है, चाय एंड बिस्किट एंड नमकीन। गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग। चलो 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 डाइनिंग पे बैठते हैं, पी लो छोटू, तुम भी पिए चाय। ए पीछे रखो उसको, नहीं बैठना इस पे, बैठना तुमको, बैठ जाओ उस पे। मम्मी जी अपने हाथों से खाना परोस रही हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है किसी को खिलाने में। और खाने में है कटहल की सब्जी, ये गाइस नाश्ता वगैरह हो चुका सबका, यहाँ पे रख लेंगे थोड़ा सा ऊपर, कुछ करना था मैं ऊपर, कुछ चाहिए मार्केट से, कुछ जाऊंगा मैं मार्केट। अभी हमने नीचे बताया मम्मी जी को ये बात कि बाथरूम वाली बात, वो कह रही है ना कि वहाँ पे ऊपर सारा काम हुआ है नया, अभी नया काम हुआ ऊपर, तो उसमें प्रेशर आता होगा ना तेज, तो वो लीक करता है कभी कभार, मेरे को भी यही लग रहा था सेफ था तो मैं, लेकिन एक दो बार हो, एक बार चलता है, दो तीन बार अगर हो तो वो डर लगता है फिर। तो अभी तो नाश्ता वगैरह करके आ गए ऊपर, और अब क्या करेंगे, अब थोड़ा आराम करेंगे, फिर मार्केट जाना है कुछ कुछ सामान जो है लेने के लिए, जैसे कि मिस्टी मुझे भी लिस्ट देने वाली है, बोल रहे थे चलो लिस्ट बताऊँगी तुमको मैं। अभी सुबह का टाइम है, अब निकल रहे हैं मिथुन भाई के घर पर हम लोग, और एक सामान है ये घर पर रखना है, और उधर से कुछ सामान लेके आना है, दाढ़ी सेट करवाना है, दवाई लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेना है हमें। अभी चलते हैं, अभी यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा हमें, 40 मिनट लग सकता है कि घर जाने में, 40 मिनट जाने में, 40 मिनट आने में, तो लगभग डेढ़ घंटे लग जाएंगे हमको, डेढ़ दो घंटा, फटाफट चलते हैं। मैं आया हूँ मिथुन भाई के साथ उनके घर पे, और कुछ काम है उनको, तो भाई इनका घर दिख रहा है सामने मेरे को, अभी पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगा, 4-5 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगा। और ये रही बाइक खड़ी है, ये रही, यहाँ पे पूरा पत्ते पत्ते गिरे हुए भाई ऊपर से, फिर पतझड़ का मौसम आ गया ऐसा लग रहा है, पतझड़ का ही मौसम चल रहा है क्या। तो गाइस ताला खुल गया है, चाबी तो लाए नहीं थे, और बस क्या करना है तुमको, वैसे करना क्या है, कपड़ा लेना है कुछ क्या। तो ये वाला कपड़ा है, इसको वापस रखना है, और कपड़े लेंगे फटाफट चलते हैं। तो जो हमें कपड़े लेना था वो कपड़े हम ले चुके हैं इस झोरा में, इसके अंदर है, इसके अंदर रख लिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और अभी कुछ काम है भाई, खाना ना खाना है क्या, है भूख लगा, नहीं भूख तो नहीं लगा मेरे को, मेरे को भी नहीं लगा, तो भी है। चलते हैं फिर, है ना, क्योंकि काम भी है यार, वो सब लवा सामान मान जो लेना था, चले फिर, चलो फिर ले तो लिया जो लेना था, चल रहे निकलते, क्योंकि जाने में भी 40 मिनट लगेंगे कम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग आपको सीधा देखने को मिलेगा मेहंदी का, और रुद्र भाई आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी दिखा देंगे भाई, वो क्योंकि आते हैं तो अपने ग्रुप के बंदे आते जो दिखाई देते थोड़ा बहुत मजा आता है, मजा भी आता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।